हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं भाई, हमने पहले सीखा था इसके पहले कि हमारे पास क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमी स्फीयर होते हैं, तो उनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। यहाँ पर मैं उन्हीं फॉर्मूलेज की टेबल बनाने वाला हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान से समझना इसमें क्या क्या है। भाई क्यूब है, देखो क्यूब ऐसा होता है, क्यूबॉइड इस तरीके से, सिलेंडर ये, कोन, स्फीयर और हेमी स्फीयर। अब हमें इन फिगर्स के तीन चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। एक तो कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लेटरल भी बोलते हैं। लेटरल कब कब बोलते हैं? अगर आपकी फ्लैट जो सरफेस जो है, अगर वो फ्लैट है, तो उसे बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया, पर इनके लिए क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि इनकी जो सरफेस है वो कैसी है? कर्व के फॉर्म में है, घुमावदार है, ठीक है? तो इनकी फ्लैट है, एकदम सीधी सीधी है, तो लेटरल सरफेस एरिया। इनकी घुमावदार है, इसलिए बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, इसको समझ लो पहले। तो देखो, जैसे मैंने कहा भाई, ये एक मार्कर है, ठीक? ऐसा मान लो, मानोगे क्यों? मार्कर ही तो है, ठीक है? हाँ, हम नहीं मानते, अपन मान लेते हैं कि मार्कर ही है, ठीक है? अब ये मार्कर है, तो भाई मैंने कहा इस मार्कर को देखो, तो आप देख रहे होगे कि इस मार्कर को यहाँ से देखोगे, ऐसे देखोगे, इस वाले को अलग कर देते हैं क्यों? ये देखो, आप ऊपर घुमा घुमा के पूरा सब देख डालोगे इसको अच्छे से। अब आपको पता चलेगा कि भाई इस मार्कर में तीन चीज़ें हैं, एक तो इसका टॉप, एक इसका बेस, और एक इसका ये जो मिडिल पार्ट है, ये वाली बॉडी, ठीक? अब अगर मैं इसके टॉप और बेस को छोड़ दूँ, इसके टॉप और बेस को नहीं गिनूँ, तब हम बोलते हैं कि ये कर्व होता है या लेटरल होता है। और जब इसके टॉप और बेस को हम इंक्लूड कर देते हैं, टॉप और बेस को भी जोड़ देते हैं, तो उसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। क्या होता है? कैपेसिटी, कि किसी भी चीज़ के अंदर कितनी कैपेसिटी है। मैंने कहा भाई इस मार्कर के ढक्कन को खोलो, समझ लो छोटी सी बॉटल है ये, इसका ढक्कन खोला, हमने पानी भर दिया, कितना पानी इसके अंदर आ गया उसे कहते हैं इसका वॉल्यूम, और कहते हैं कैपेसिटी। हम लोग अपनी लैंग्वेज में कैपेसिटी कहते हैं, मैथ्स में इसको वॉल्यूम कह देते हैं, ठीक? अब फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, तो फॉर्मूले देखिए कैसे बनते हैं। ये होता है 4a² क्यूब का, जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4a² क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है a³, ठीक? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया होता है 2h(l+b), 2h(l+b). क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2lb+bh+lh। एक बार lb को लो, एक बार bh को लो, एक बार lh को लो। lbh तीन चीजें होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उन तीनों को एक बार ले लो, ठीक? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक? अब बात कर लेते हैं भाई सिलेंडर की। तो पहले इसमें छोटी सी बात और समझ लो कि भाई इसमें ए क्या है। ए मतलब होता है कि इसकी एक एज, ये है ए। अब जो क्यूब होता है उसकी सारी साइड जो है वो सेम होती है ना, सारी एजेस सेम होती हैं, तो हम बोल देंगे भाई सब ए हैं, ठीक? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में देखो, ये होती है लेंथ, ये वाली होती है ब्रेथ, और ये जो है ये यहां से लेकर यहां तक ही हो जाती है हाइट, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक? सिलेंडर की बात कर लेते हैं। सिलेंडर में जो कर्व सरफेस एरिया होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया वो होता है 2πRh। क्या होता है? 2πRh। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सेम टू सेम इसी को लिख दो, पर 2πR तो लिख दिया, एच में ब्रैकेट लगा देना, इस एच में आर और ऐड कर दो, ठीक? वॉल्यूम क्या होता है? πR²h, πR²h, ये होता है सर्कल का एरिया, इसमें एच और लगा दो तो बन गया πR²h। 2πR होती है सर्कल की सरकमफ्रेंस, ये तो याद होगी, अगर याद है तो अच्छी बात है। सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2πR, उसमें एच और लगा दो, ठीक? अब बात करते हैं भाई कोन की, तो समझना पहले कोन के बारे में थोड़ा समझ लो। ये सिलेंडर है, पहले सिलेंडर को देख लो, सिलेंडर में क्या होता है? ये होती है रेडियस, क्या होती है?
रेडियस, और ये होती है इसकी हाइट। ठीक, अब कोण की बात करते हैं, जरा ध्यान से समझना। हाँ, कोण में ये जो होती है, ये होती है इसकी रेडियस, क्योंकि नीचे सर्कल बना है, सर्कल की रेडियस हो गई। ये जो लाइन है, ये यहां इस वाले पॉइंट से लेकर ये बेस का सेंटर पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं एच। क्या बोलते हैं? एच। और ये जो झुकी हुई लाइन दिख रही है इसे बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं? एल। इसका मतलब होता है स्लैंट हाइट। क्या होता है? स्लैंट हाइट। अब आप बोलोगे भैया फिर अगर ये क्या है, तो फिर ये सिर्फ हाइट है और ये जो है ये स्लैंट हाइट है। अब आप अगर ध्यान से देखो, मैं इतने पार्ट को, ये जो ट्रायंगल बना है इस पार्ट को बाहर निकाल लूं, आप बोलोगे निकाल दीजिए। तो देखो ये ऐसा दिखाई देगा, ये एच है, ये एल है, ये आर है, ये वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। आप देखो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 90 डिग्री के सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस कितना है भाई? आर। ठीक, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बताइए आया समझ में? ठीक, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, कोई तकलीफ कहीं पे? तो इस चीज को नोट कर लेना। तो एल अगर निकालना हो, एच निकालना हो या आर निकालना हो, तो देखो कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमको दो चीजें दी जाती हैं, एच और आर दिया गया है, बोला एल बताओ, रख दो फॉर्मूले में निकल आएगा। एल और आर दिया गया है, पूछा एच बताओ, तो एल और आर की वैल्यू रख दो, एच निकल आएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। तो याद रखना इस चीज को, किस चीज को, कि भाई एल स्क्वेयर इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर होता है, इसको ध्यान रखना अपना लक्ष्य। ठीक है, कोण में आओ, अगर आपने सिलेंडर का फॉर्मूला रट लिया तो कोण का फॉर्मूला आपसे बड़े आराम से बन जाएगा। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे? देखो टू को हटा दो, एच को एल कर दो, टू को हटा दिया, पाई को पाई लिख दिया, आर को आर लिख दिया, एच को क्या कर देना है? एल। ठीक है, टू को हटा दो, टू को हटा दिया, पाई आर लिख दिया, एच को क्या कर देना है? एल। तो भाई एच को क्या कर दिया? एल। देखो टू को हटाया, एच को एल, टू को हटाया, एच को एल, टू को हटाओ, टू तो है ही नहीं, टू नहीं है तो क्या एच का एल होगा? नहीं होगा। अब क्या करें? इसको सजा देंगे हम लोग, डंडे मारेंगे इसको। कितने डंडे मारेंगे? तीन। तो भाई साहब ये रहा डंडा और ये रहा तीन। ठीक, तो इसको तीन डंडे मार के खत्म कर दो मैटर। बोले ठीक है, अब चाहो क्या है, नहीं है। स्फीयर की बात करते हैं, स्फीयर, स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr². क्या होता है? 4πr² जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है वही इसका टोटल सरफेस एरिया भी होता है, दोनों सेम होते हैं। ठीक, आया समझ में? अब इसका वॉल्यूम क्या होता है? तो याद रखना इसका वॉल्यूम होता है 4πr³/3, 4πr³/3। यहाँ स्क्वायर स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, पर यहाँ पे क्यूब आ गया, ऊपर भी 3 नीचे भी 3। ठीक, ऐसे ध्यान रख लेना। हेमी स्फीयर क्या होता है? स्फीयर का आधा, तो 4 का हाफ कितना होता है? 2। 4 का हाफ कितना होता है? 2। 4 का हाफ कितना होता है? 2। ठीक, बड़ा बड़ा सिंपल आंसर है भाई, 4 का हाफ 2, 4 का हाफ 2, 4 का हाफ 2, बस सबका सब तो वही है। बस एक चीज ध्यान रखना, क्या, कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना ये 3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3। ठीक, तो ये रहे हमारे फॉर्मूले। तो आपको इन फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, अगर आप ये फॉर्मूले याद कर लेते हो तो बिलीव करो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ये सारे सारे चैप्टर अपन खत्म कर देंगे बड़े आसान तरीके से। ठीक है।